हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा खाना खजाना। आज हम बनाएंगे आलू और पोहा से टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये एक कप पोहा लिया है। ये मोटा पोहा है, आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। नाश्ता बनाने के लिए अब हम सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, ये बाउल में डालेंगे और इसमें थोड़ा हम गुनगुना पानी डालेंगे। इस तरह हम इसमें ये गुनगुना पानी डालेंगे और हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाएगा। देखिए, हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारा पोहा भी फूल गया है। ये देखिए, एकदम ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे इसका पानी निकाल लेंगे, छान लेंगे। और हम इसको एक बार ठंडे पानी से थोड़ा सा और धो लेंगे ताकि इसकी सारी ये गंदगी निकल जाएगी, जो भी इसमें पाउडर है। और हम इसको फिर 1 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखिए, इसका सारा पानी निकल गया है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम थोड़ी सी देर इसको सुखाने के लिए रख देंगे। हल्का इसको भुरभुरा होने देंगे, इसका जो भी इसमें थोड़ा सा पानी है वो और सूख जाएगा। हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे। देखिए, इसका पानी सूख गया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और हम इसको अब इस तरह हाथ से मसल लेंगे, आटे की तरह इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसको बिल्कुल आटे की तरह बारीक मैश कर लेंगे। देखिए, हमने मैश कर लिया अच्छे से। अब इसमें मैंने ये 2 आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसमें हम आलू डालेंगे, आप आलू छोटे या बड़े कोई से भी ले सकते हैं। मैंने इस साइज के 2 आलू लिए हैं जिन्हें ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच ये काली मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये होममेड धनिया पाउडर है, और आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल लें, और 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हाफ कुटी हुई सौंफ, नमक स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। आपके पास अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और एक मैंने ये हरी मिर्च ली है जिसे बारीक काट लिया है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर कम तीखा खाते हैं तो। और मैंने इसके टेस्ट को बनाने के लिए मैंने इसमें 1 पाउच ये मैगी मसाले का लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, चटपटा, और नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें ये धनिया पत्ती और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है और ये मैंने इसमें उबले हुए आलू डाले हैं। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने ये चावल का आटा लिया है, 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं, इसीलिए मैंने इसे डाला है। और आप चाहें तो चावल का आटा घर पे भी बना सकते हैं, आप चावलों को थोड़ा सा धो के और सुखा लें और मिक्सी में पीस के आप बारीक पाउडर बना लें। इस तरह आपको चावल का आटा बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी बना सकते हैं। हम इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका नाश्ता बहुत अच्छा बनता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, इसको बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, हमारा ये मसाला तैयार हो गया है आलू और पोहे का। अब हम इस हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये देखिए,
इस तरह हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के और इसको दो हिस्से में कर लेंगे। इस तरह इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए हमने इसके छोटे छोटे इस तरह के पेड़े या छोटे छोटे हमने इसके पीस कर लिए हैं। अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हम इसमें ऑयल लगाएंगे और हम हाथ में भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी हम अब अपनी पसंद से कोई भी शेप बना ले। आप चाहे तो इसकी गोल शेप भी बना सकते हैं, टिक्की वाली। मैं इसके थोड़े लंबा वाला शेप बना रही हूँ। ये देखिए मैं इस तरह का शेप बना रही हूँ। आपको जो भी शेप पसंद है आप वो बना लीजिए। ये देखिए मैं इस तरह, और हम इसको थोड़ा सा प्लेट में ही इस तरह टैप करके ये देखिए अब हम इस तरह इसको प्लेट में रख देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। और आप ये देखिए इस तरह हाथ से हल्का सा दबाते हुए देखिए इसको हम प्लेट या किसी भी चकले पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको हल्का सा टैप करके ये देखिए इसी तरह हम इसकी सारी शेप बना लेंगे। देखिए हमारी ये सारे स्नैक बनकर तैयार हो गए हैं और इसका कितना अच्छा कलर आया है, कितने कलरफुल हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसमें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैगी मसाले का पाउच डाला है, यानी एक चम्मच मैगी मसाला डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़े से भुनी हुई मूँगफली को पीस कर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने ये तेल गरम रख दिया है कढ़ाई में, हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसे फ्राई करेंगे। मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। देखिए अब हम इसको पलट देंगे, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हम इसको इसी तरह हम सबको पलट देंगे। मेरे ये एक कप पोहा और दो आलू में मेरे 15 से 16 पीस बने हैं। देखिए इस तरह हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया, ये हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। और हम गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई भी नहीं और एकदम सिम भी नहीं रखेंगे। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, हम बाकी के भी सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे ये सारे स्नैक बनकर तैयार हो गए। हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये कितने करारे बने हैं, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी है और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए खाने में भी ये बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये देखिए हम इसमें हल्का सा चाट मसाला डालेंगे और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करेंगे, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और एंड में मैं कहूंगी आपसे कि आप सब लोग घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को हराने में सरकार की मदद करें। मेरी रेसिपी एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।